वो पापा जी भगा दिए हैं घर से झगड़ा लड़ाई करके। हेलो डॉक्टर, गुड मॉर्निंग। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? हम लोग ठीक हैं और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे बुखार है। रात को सोए थे, लगा कि सो के उठूंगी तो शायद अच्छा लगेगा। खोखी हो रहा था। सुहाना को भी खोखी हो रहा है, भी बुखार की तरफ फील हो रहा है। देखिए अभी हम लोग चाय और ये पावरोटी लाए हैं ना बेटा। सुहाना को बहुत दिनों के बाद ये पावरोटी खाने को मन कर रहा था। मुझे खाइए। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी ये चाय और ये पावरोटी खाने के बाद खाना बनाएंगे, तो उस टाइम पे मिलते हैं। हाँ, अभी देखिए खाना बन गया है। सुहाना नहा भी ली है, मैं नहीं नहाई हूँ। तो देखिए सुहाना रेडी हो गई है नहा के ना। और अभी सुहाना ना जिद कर रही है लीची जूस खरीदने के लिए। सुहाना को मैं बोली कि कख तुम अपने आप से जब लिख लोगी ना तो खरीद देंगे। तो सुहाना बोली दो मुझे कॉपी और पेंसिल। तो अभी सुहाना को दे रहे, देखते हैं सुहाना कितना लिख पाती है। हाँ तो दे रहे, अभी सुहाना जब लिख लेगी ना तो सुहाना खरीद देंगे। हाँ बहुत नहीं पढ़ेंगे सिर्फ। तो देखिए यहाँ पे सुहाना कख लिख रही है, खुद से पढ़ पढ़ के लिख रही थी कख। बट हम वो जो पढ़े थे तो वो भी रिकॉर्ड हुआ था, बट उसके जो बैकग्राउंड में है ना, बैकग्राउंड में हनुमान चालीसा मतलब बज रहा था, तो इसलिए हम ये म्यूजिक नहीं बजा सकते, नहीं तो वो आ जाएगा कॉपीराइट। तो इसलिए देखिए अभी सुहाना लिख रही है कख, वो भी पढ़ पढ़ के। देखिए हमारे बाहर में ये सूट वाले आए थे, एक मतलब रेडीमेड सूट है और एक सिलवाने वाला है। तो क्वालिटी जो था कपड़ा का वो मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, और प्राइस जो था 900 यानी कि 1000 इतना ज़्यादा मतलब महंगा था, तो कोई भी नहीं लिए। तो देखिए अभी सरस्वती जी आई है, और मैं सोची थी कि ये अपना टैब लेके आएगी तो हम Q&A कर लेंगे, बट ये लेके नहीं आई है, तो हमको फिर से वहाँ जाना पड़ेगा और लेके आना पड़ेगा। तो अभी सबसे पहले वीडियो को एडिट करते हैं, पोस्ट करते हैं, उसके बाद जाएंगे हम घूमेंगे फिरेंगे। और आज यहाँ के बाजार भी है, हम लोग बाजार भी जाएंगे, सब्जी लाने के लिए जाएंगे बाजार। तो वहाँ पे चलते हैं और आप लोगों को वहीं पे आज ना हम मतलब पूरा घूमेंगे, ठीक है? तबीयत तो थोड़ा सा डाउन ही है, लेकिन फिर भी घूमेंगे, जो होगा देखा जाएगा। और अभी देखिए सुहाना को यहाँ पे बच्चे पार्टी के साथ क्या खेल रही है, वो जो होते हैं दुल्हन दुल्हा बनने वाले खेल रहे हैं। मतलब यहाँ पे सारे बच्चे अपने मम्मी के मतलब जो होते हैं दुपट्टा ले आके यहाँ पे देखिए दुल्हन बनी है। और जब मैं वीडियो कर रही हूँ तो शर्मा रहे हैं। ये एक बड़ी वाली भी है जो कि वहाँ पे भाग गई है, देखिए यहाँ पे खोल लिए है अभी। तो अभी देखिए यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं मार्केट सब्जी लाने के लिए। पहले जाएंगे सरस्वती के रूम पे, उसके बाद मैं, सरस्वती और सुहाना सारे लोग जाएंगे मार्केट। और अभी देखिए सुहाना बोल रही थी कि मुझे कलर ख़रीदना है, तो आज सुहाना को कलर भी खरीद देंगे बाज़ार में। और अभी देखिए हम लोग मैचिंग फ्रॉक पहने हैं, देख सकते हैं आप लोग, व्हाइट कलर के सुहाना के भी है और मेरा भी व्हाइट कलर के। कैसा लग रहा है मैचिंग ड्रेस, आप लोग कमेंट करिएगा फ्रेंड। तो देखिए अभी हम लोग आए थे सब्ज़ी लेने के लिए और ले लिए है। सोचे थे कि बहुत मस्ती करेंगे बाज़ार में जाके, मेला की तरह मस्ती करेंगे, लेकिन नहीं कर पाए क्योंकि बाज़ार आने से पहले हम लोग सो गए थे, और सो के उठे हैं तो मूड ही अच्छा नहीं लग रहा, मेरा भी सुहाना का भी। सुहाना को मम्मी ने बाजार में गाजर खरीद दी है, ये बोल रही है। तो देखिए अभी सुहाना बहुत दिनों बाद बोल रही थी कि मुझे मोमो खाना है, तो यहाँ पे हम लोग अभी मोमो खाने के लिए होटल में गए हैं। तो सुहाना देखिए यहाँ पे मोमो खा रही है, और मैं और सरस्वती हम दोनों चाउमीन खा रहे हैं, सुहाना सिर्फ मोमो खा रहे। सुहाना बोली कि मुझे सॉस नहीं खाना है, तो मैं बोली ठीक है मोमो ही खा लो, तो सिर्फ मोमो ही सुहाना खाई। और यहाँ पे देखिए मैं और सरस्वती चाउमीन खा रहे हैं, चाउमीन खाने के बाद अभी घर चलेंगे। देखिए सुहाना क्या खरीदी आज, क्या है बच्चा दिखाओ, कहाँ है कलर दिखाओ, नीचे रखो नीचे। क्या कलर कर रही हो? एप्पल है? नहीं। ये एप्पल है ना? हाँ। ये फ्रेंड देखिए अभी शाम के 7 बज रहे हैं, और अभी इस वक्त चंदन जी यानी कि मेरे देवर जी यहाँ पे आए हैं गांव वाले घर से, यहाँ पे शहर वाले घर में।
तो क्यों आए हैं वो, क्या उनको पापा जी भगा दिए हैं घर से झगड़ा लड़ाई करके, तो ये सारे कुछ आप लोगों को बताएंगे। अभी चंदन जी बाहर गए हैं थोड़ा सा वहाँ मार्केट की ओर, तो जब वहाँ से आएंगे तो आप लोगों के साथ बातें करते हैं चंदन जब रहेंगे तब, ठीक है। तो पूछते हैं चंदन को कि क्यों आए हैं घर से यहाँ पे रहने के लिए, ठीक है। तो हमारे वीडियो में बने रहे, आप लोगों को बताते हैं, उनको आने देते हैं। तब तक अभी 7 से ज़्यादा हो गए हैं तो जा रहे हैं अभी खाना बनाने। देवर जी आए तो अभी खाना बनाना पड़ेगा, तो इसलिए रोटी बनाने जा रहे हैं। तो फ्रेंड मिलते हैं फिर जब चंदन आएंगे तब। सो हे फ्रेंड, देखिए ये है चंदन भैया जिनको पापा जी घर से झगड़ा करके निकाल दिए है। बकवास नहीं निकाले हैं? नहीं। तो कैसे आए हो आप, क्यों आए हो बताइए। तो फ्रेंड आप लोगों के ऊपर हमने प्रैंक किया कि चंदन भैया को घर से पापा जी निकाल दिए। बाकी आप लोगों में से कितने लोगों को विश्वास हुआ इस बात पे, कितने लोगों को यकीन हुआ, कमेंट करिएगा। ये यहाँ पे पढ़ते जिस शहर में पापा जी के घर है, जिस शहर में पापा जी का घर है उस शहर में चंदन भैया बीएड कर रहे हैं, तो वहाँ का अब कल से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। तो चंदन भैया यहाँ पे आके रहने के लिए आए हैं, तो हमारे शटर रूम है वहाँ पे, तो शटर रूम में सारे कुछ बेड व्यवस्था मिला दिए हमने। तो अभी खाना खाएंगे और जाके सोएंगे, पढ़ने गए थे फ्रेंड के घर पे। तो ठीक है फ्रेंड, हम लोग मिलते हैं खाना खाते वक्त। तो देखिए अभी हमारे खाना हो रहा है और खाना में क्या क्या है आप लोगों को दिखाते हैं, खाना में क्या क्या है आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए क्या क्या है सुहान, बताओ। हाँ तो सुहाना दूध रोटी खा रही है, देखिए अंकल को देखे दूध रोटी खाते हुए। तो और यहाँ पे दूध है, भुजिया, चटनी, टमाटर, धनिया का ये दूध। हाँ तो इतना चीज है। और यहाँ पे है पानी, है ना। तो अभी सारे लोग खा रहे हैं और चंदन भैया को पापा जी नहीं निकाले हैं, ये आए हैं यहाँ पे एग्जाम देने के लिए ना। आपके अंकल यहाँ पे एग्जाम देने के लिए आए हैं ना। हाँ तो ठीक है अभी हम लोग खाना खाते हाँ तो ठीक है अभी हम लोग खाना खा के मिलते हैं। हाँ ठीक है। अभी देखिए सुहाना के अंकल चले गए हैं ना, और अभी हम लोग खाना खा लिए हैं और अब हम सोएंगे। हाँ ठीक है। और फ्रेंड देखिए आज मैं और सुहाना दोनों मैचिंग फ्रॉक पहने हैं ना, सुहाना की भी व्हाइट कलर, मम्मा के भी व्हाइट कलर। तो आप लोग बताइए हम लोग मैचिंग पहने हैं तो कैसा लग रहा है ना। और आप लोगों के ऊपर हमने जो प्रैंक किए वो प्रैंक आप लोगों को, मतलब किन किन को यकीन हुआ इस प्रैंक पे कि हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि बाबा जी ऐसे है तो ऐसा हो भी सकता है, मुमकिन भी है ना बेटा। तो फ्रेंड आज के वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तो अपना ख्याल रखें। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।